स्टार्ट करते हैं जी रीडिंग जी। देखिए 1D मेरी स्क्रीन आप लोगों के साथ शेयर हो गई है। देखिए मेरी स्क्रीन शेयर हो गई। अच्छा अब जिससे मैं कहूंगी ना वो रीडिंग करेंगे और उसके बाद इसी में से मैं आप लोगों से क्वेश्चन करूंगी और हम सारा अपना सबक को हमारा पौधा को रिवाइज कर लेंगे। आप लोगों को पता है ना जारा और अहमद ने हमारा पौधा में क्या किया था। उन्होंने एक गमला लिया, गमले में अहमद जारा ने मिट्टी डाली, सॉरी जारा जी जारा ने गमले में मिट्टी डाली, अहमद ने क्या किया था मिट्टी में बीज बोया, फिर दोनों ने मिलकर उसमें क्या डाला पानी डाला, फिर दोनों ने मिलकर बच्चों ने गमले को कहाँ रखा धूप में रखा, और कुछ दिन के बाद क्या हुआ जब उन्होंने उसकी केयर की कुछ दिन बाद क्या हुआ कि गमले में पौधा उगाया। और पौधा किस रंग का था, फूल किस रंग का था, यहाँ से हमें पता चल रहा है फूल लाल रंग का था। ये सूरज बना है, यहाँ से हमें पता चल रहा है कि उन्होंने गमले को धूप में रखा। अब जिसको मैं कहूंगी वो पढ़ेंगे और फिर उसके बाद इसी में से मैं आप लोगों से छोटे छोटे सवाल कर लूंगी, ठीक है? अच्छा जी जुनैरा पढ़ेंगी, जुनैरा पढ़िए बेटे। ठीक है ठीक जुनैरा, है बेटे रीडिंग स्टार्ट कीजिए हमारा पौधा की। सारा और अहमद ने पौधा उगाया। सारा जी शाबाश। ने गमले में मिट्टी डाली, जी मिट्टी में बीज बोया, जी दोनों ने गमले में पानी डाला, जी बच्चों ने धूप में जी रखा। कुछ कुछ दिन बाद गमले में पौधा उगाया। जी ठीक है शाबाश जुनेरा। आप पढ़ेंगी जी, आप कौन पढ़ेंगे? इंशा आप पढ़ेंगी, इंशा आप रीडिंग कीजिए हमारा पौधा जरा जी। को और अहमद जी पौधा उगाया। जरा जी ने गमले में गमले की मिट्टी डाले, जी मट्टी डाली है अहमद ने। अहमद ने मिट्टी में बीज बोया, दोनों ने गमले में ने पानी डाला, बच्चों जी शाबाश ने गमले को धूप में रखा। रखा जी। कुछ कुछ दिन बाद के बाद गमले जी ने में पौधा आया, उग अलिफ अलिफ पेश गाफ उग आया आया। जी। ठीक है इंशा अब शांजे आप रीडिंग करेंगी बेटे। शांजे जारा ने गमले में मिट्टी डाली, नहीं बेटे ऊपर हमारा पौधा सबक का नाम पढ़िए फिर रीडिंग स्टार्ट कीजिए। पहली लाइन पढ़िए जारा और अहमद वाली। पौधा उगाया, जारा ने गमले में मिट्टी डाली, अहमद ने मिट्टी में बोया बीज बोए, दोनों ने गमले में पानी डाला, बच्चों ने गमले को धूप में रखा। कुछ दिन बाद गमले में पौधा उगाया, जारा जी। ठीक है जी ठीक है शाबाश। इब्राहिम शीस आप पढ़ेंगे। इब्राहिम रीडिंग स्टार्ट कीजिए। इब्राहिम Teacher, can I try? I read it one time properly. ओके चलिए असद आप पढ़ लीजिए, पढ़िए। जरा
सारा और अहमद ने पौधा उगाया। जी जारा ने गमले में मिट्टी डाली, अहमद ने मिट्टी में बीज बोया, दोनों ने गमले में पानी डाले। बच्चों ने गमले को धूप में रखा। जी कुछ दिन बाद गमले में पौधा उगाया। जी शाबाश। जी बेटे बोलिए, किसने कहा था? एक्सक्यूज मी टीचर, ज़ैनब ने? नहीं, असद ने कहा था। नहीं, असद ने तो अच्छा पढ़ लिया अल्हम्दुलिल्लाह, किसी ने बीच में बोला था। अब बताइए। अच्छा देखिए, सबने रीडिंग की। अब मैं उनसे सवाल पूछूंगी जिन्होंने रीडिंग नहीं की, ठीक है? शाजिल मुझे बताएंगे, शाजिल अपना माइक, शाजिल का माइक अनम्यूट है। ज़ारा और अहमद ने क्या किया था? ज़ारा और अहमद ने डैश उगाया, क्या उगाया? ज़ारा और अहमद ने क्या उगाया था? पौधा। जी पूदा। नहीं, जिससे मैं पूछूंगी वो जवाब देगा। जी शाजिल क्या उगाया था? अभी तो इंशा ने जवाब दे दिया पौधा, आप मुझे एक और जवाब दीजिए। ज़ारा ने गमले में सबसे पहले क्या डाली थी? क्या डाली? मट्टी डाली। ठीक है, ठीक है जी। अच्छा जुनैरा आप मुझे बताइए, अहमद ने मट्टी में क्या डाला? ज़ैनब, टीचर ज़ैनब पढ़ ले। ज़ैनब मैं आपसे क्या पूछ रही हूँ, आप पहले मुझे बताइए, अहमद ने मट्टी में क्या बोया? बीज बोया। ठीक है, करिए जरा रीडिंग भी स्टार्ट कीजिए, कर लीजिए। ज़ारा और अहमद ने पौधा उगाया, ज़ारा ने गमले में मिट्टी डाली, अहमद ने मिट्टी में बीज डाला, बोया। जी दोनों ने गमले में पानी डाला। जी बच्चों ने गमले को धूप में रखा। जी कुछ दिन बाद गमले में जी पौधा उगाया। जी ठीक है, शाबाश टीचर। ये जो इसके बाद नेक्स्ट पेज है वो भी करना है हमने बेटे। जी वो अभी हम रिवाइज कर लेंगे। मोहम्मद अयान आप मुझे बताइए कि दोनों ने गमले में क्या डाला था? ज़ारा और अहमद ने पहले तो मिट्टी डाली, फिर बीज बोया, फिर दोनों ने गमले में क्या डाला? मोहम्मद अयान, पानी डाला और गमले को कहाँ पे रखा? धूप में रखा। कुछ दिन बाद क्या हुआ गमले में? गमले में पौधा। जी कुछ दिन बाद गमले में पौधा उग आया। मोहम्मद हसन मुझे बताएंगे कि ठहरिए मैं इसको जरा रब कर लूं। आप मुझे बताइए ये क्या लफ्ज बन रहे हैं, जरा लफ्ज बना के मुझे बताइए मोहम्मद हसन। अच्छा जी बेटे ये मुझे बताइए पहला लफ्ज क्या बन रहा है? गमले। जी शाबाश। दूसरा क्या बन रहा है? दूसरा देखिए मट्टी। शाबाश। तीसरा देखिए, इसको जोड़िए और मुझे बताइए क्या बन रहा है? पौधा। वेरी गुड, शाबाश। अच्छा जी मोहम्मद अब्दुल्ला मुझे बताएंगे। माइक को अनम्यूट कीजिए मोहम्मद अब्दुल्ला। आमिना काशिफ आप मुझे बताइए कि अहमद ने बीज किस में बोया, गमला बोतल या थैला, किस में बोया था? आमना आमना अहमद ने बीज किस में बोया? आमना भी माइक अनम्यूट नहीं कर रही। हादी आप बताइए बेटे। हादी टीचर
आमद ने बीज किस में बोया, गमला में, बोतल या थैला? कमरे, गमला में। अच्छा, दूसरे सवाल का जवाब मुझे दीजिए। जारा ने सबसे पहले गमले में क्या डाला, मट्टी, पानी या चावल? क्या डाला था जारा ने? मट्टी। शाबाश। मैं जिसे पूछ लूं बेटे वही जवाब देंगे। फूल किस रंग का था हादी, हरा, लाल या पीला? कौन सा रंग का था? लाल। लाल को क्या कहते हैं इंग्लिश में, लाल कौन सा रंग होता है? रेड। ओके बेटे, शाबाश, ठीक है। अच्छा जी, हमजा अहमद मुझे बताएंगे। हमजा, टीचर, हमजा अहमद अपने माइक को अनम्यूट कीजिए बेटे। हमजा समथिंग अबाउट हसन। वी बेट हमजा, हमजा अपने माइक को। जी हमजा मुझे बताइए, फूल, ये पहला फूल किस रंग का है, जरा मुझे बताइए देख के। ये वाला नीला। नीला, नीला कौन सा कलर होता है इंग्लिश में? ब्लू। ब्लू। अगला देखिए, बताइए कौन सा है? पीला। पीला कौन सा होता है? येलो। ओके, नेक्स्ट वन। लाल। लाल कौन सा होता है? रेड। अगला कौन सा होता है देखिए? ग्रीन। उर्दू में हरा। हरा, शाबाश। और अगला, लास्ट वाला देखिए, आखिरी वाला, गुलाबी। इंग्लिश में कौन सा होता है? पिंक। पिंक, वेरी गुड बेटे, शाबाश। अच्छा जी, वेरी गुड। और मुझे किसने कुछ जवाब नहीं दिया? मिनाल फातिमा अपने माइक को अनम्यूट कीजिए। मिनाल फातिमा जी, आप मुझे बताइए बेटे, ने का हम आवाज कौन सा है, हम आवाज लफ्ज कौन सा है ने का? से। से, ठीक है, शाबाश। धूप का, धूप, धूप का क्या है मिनाल? मुझे आपकी सही आवाज नहीं आ रही। धूप का रूप, ठीक है, शाबाश। मोहम्मद हमजा जाफरी, आप मुझे बताइए बेटे, डाली का हम आवाज कौन सा है? हमजा जाफरी बेटे मुझे बताइए, डाली का हम आवाज कौन सा है? अब्दुल्ला आप बताइए मुझे बेटे, डाली का हम आवाज कौन सा है? बेटे थोड़ा सा ऊंचा बोले, मुझे आवाज नहीं आ रही। डाली का क्या है अब्दुल्ला? माली, ठीक है। और बोया का? टीचर कौन सा पेज नंबर है? बेटे पेज नंबर 103। अब्दुल्ला और बोया का? बोया का क्या है अब्दुल्ला? सोया। और पानी, रानी। अच्छा देखिए, वन डी हमारा ये पूरा सबक जो है हमारा पौधा का रिवाइज हो गया। छोटी छोटी बातें आपने ध्यान में रखनी है कि अहमद और जारा ने क्या उगाया, सब मुझे एक साथ बताएं। जारा और अहमद ने क्या उगाया? पौधा उगाया। क्या उगाया? वन डी, पौधा उगाया। सब मुझे जवाब देंगे एक साथ। जारा और अहमद ने क्या उगाया? पौधा। पौधा उगाया। शाजिल, जारा और अहमद ने क्या उगाया? पौधा। पौधा, वेरी गुड। जल्दी जल्दी से जवाब देना है। जारा ने गमले में क्या डाला? मिट्टी। मिट्टी डाली। अहमद ने मट्टी में क्या डाला? जल्दी जल्दी जवाब, और सब देंगे, सबके माइक तो म्यूट है, सिर्फ एक दो बच्चे जवाब दे रहे हैं। दोनों ने गमले को कहाँ रखा? धूप पे रखा। दोनों ने गमले में, दोनों ने गमले में क्या डाला? धूप में रखा, पानी डाला। और कुछ दिन बाद क्या हुआ गमले में? पौधा उगाया। पौधा उगाया। उगाया कुछ दिन बाद गमले में पौधा उगाया, ठीक है जी। अब एक सेकंड जरा मैं हम आवाज अल्फाज भी हो गए जी, क्या है? अच्छा ये भी हो गया, ठीक है।
हम आवाज क्या है? पानी का हम आवाज पहले से लिखा हुआ है, क्या है पानी का हम आवाज? मुझे पढ़ के कौन बताए? पानी का हम आवाज है जी रानी, ठीक है, पानी का हम आवाज है रानी। ने का हम आवाज क्या है? रानी। सब बताएंगे, वन वन डी सब बताएंगे बेटे। नानी। ने का क्या है? ने का नून बड़ी ये ने, ने का क्या है? ने का है से, तीन बड़ी ये से। आपने ये ध्यान रखना है कि देखिए पे लिफ पान नून छोटी है नी पानी और रे लिफ रा नून छोटी है नी रानी। आवाजें भी मिल रही हैं और आप देख रहे हैं दोनों के आखिर में क्या है? नून छोटी है नी, नून छोटी है नी, ठीक है। अब नून ने का हम आवाज क्या है? नून बड़ी ये ने और ने का हम आवाज है सीन बड़ी ये से। आवाजें भी एक सी हैं और आखिरी लफ्ज भी आखिरी हर्फ भी जो हैं वो मिल रहे हैं। ये ठीक नहीं लिखा गया, मैं इसको फिर से लिख देती हूँ। धूप का आप लोग मुझे पहले से बता दें, धूप का क्या है? रूप। क्या क्या आखिरी आखिरी हर्फ कौन सा है दोनों में? आखिरी हर्फ रूप और धूप में कौन सा है? पे, पे। ये देखिए दाल वाव पे धूप और रे वाव पे रूप, आखिरी लफ्ज मिल रहे हैं ना, मैं लिख देती हूँ रे वाओ और पे, दोनों के आखिर में क्या आ गया जी? पे आ गया, धूप और रूप। अच्छा डाल अलिफ डाल लाम छोटी ली डाली, डाली का हम आवाज क्या है? वन डी। डाली का हम आवाज क्या है? माली। मीम अलिफ मा लाम छोटी ली माली। देखिए डाली में भी लाम छोटी ली और माली में भी लाम छोटी ली। बोया का हम आवाज क्या है? बेवा बो ये अलिफ का बोया भाई। सोया तीन, सोया तीन वाओ सो ये अलिफ या। आप देख रहे हैं जितने हम आवाज हैं सबके आखिरी लफ्ज भी आखिरी हरूफ भी एक से हैं। और फूलों के रंग तो अब आपको याद हो गए हैं, नीला पीला लाल हरा और गुलाबी, ठीक है, पांच रंगों के नाम है। टीचर जी बेटे 3 मिनट्स रह गए। जी बेटे 3 मिनट्स रह गए। कल तो मेरा ख्याल है मेरी आपके साथ क्लास नहीं है ना, एक सेकेंड मैं जरा चेक कर लूँ अपने चेक के। कल हमारी क्लास, हाँ जी कल हमारी क्लास नहीं है, वेंसडे को इंशाल्लाह होगी, बुध को। तो फिर हम क्या करेंगे, मैं हमारा पौधा का क्लास में इसी तरह दोहराई का क्विज लूंगी, ठीक है। मैं डायरी में मेंशन नहीं करी क्योंकि हमने पढ़ा हुआ है और ये दोहराई है, इसलिए आप लोगों को एकदम क्विज आएगा और हम लोग कर लेंगे, क्लास में ही करेंगे, ठीक है वंदी। इंशाल्लाह आप लोगों ने दोबारा से बेटे इस सबक की जरूर रीडिंग करनी है, अच्छी सी पढ़ाई करनी है, छोटे छोटे सवाल जवाब, छोटी छोटी खाली जगह। कितना सा सबक है? सिर्फ एक पेज का सबक है ना, सिर्फ एक सफा है। आपने इसकी अच्छी सी रीडिंग करनी है ताकि अगर कोई सवाल भी आ जाए तो आप लोगों को कोई मुश्किल ना हो, ठीक है वन डी ठीक है। ओके बेटे अब आप लोग बेटे अल्लाह हाफिज करके क्लास को लीव कर दीजिए। अल्लाह हाफिज बेटे। आई लव यू टीचर। थैंक यू बेटे। I love it.